हमारा क्या चालू है, मिरर इमेज। मिरर इमेज के बारे में मैंने दो चीजें कल आपको बताई थी। मिरर इमेज ऐसा होता है कि एक समय आपको दिया होगा या फिर एक घड़ी होगी जो मिरर मतलब जो कांच रहता है ना, शीशा बोलते हैं जिसको हम लोग, जिसमें अपना थोड़ा देखते हैं सुबह शाम, है कि नहीं, कैसा हो कैसा नहीं हो, ठीक है, सामने वाला देखेगा तो कैसा दिखूंगा। एक हकीकत बताता हूँ, सच्चाई आप लोगों को, आपका थोबड़ा कैसा भी हो, कैसे भी हो, आप आपके माँ बाप के लिए 24 कैरेट सोना हो, ये बात ध्यान रखना। मेरा बेटा हीरो और मेरी बेटी हीरोइन है, ये बात ध्यान रखना। सब लोग फेल है इसके आगे, भले क्यों ना वो डामर रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपने माँ बाप के लिए बोलते ना हीरो ही होता है वो हमेशा, ये बात ध्यान रखना। और एक सच्चाई ये भी बताता हूँ, आप अपने आप को जितना खूबसूरत देखते हो मिरर में, ठीक है, उससे 3 गुना ज्यादा ना सामने वाला व्यक्ति आपको खूबसूरत समझता है, और वो हकीकत है। अगर एक बात और इसमें बताता हूं, अगर आप अपने आप को खूबसूरत समझना चाहते हो कि मैं खूबसूरत बनूं, और कितने कैसी भी रहने दो आपको, मैं खूबसूरत 1 मिनट में बना सकता हूं, 1 मिनट में, एक उसका मैं राज दे दूंगा, बनना है खूबसूरत, यस और नो? अपने से बदसूरत के साथ रहो कैसे क्या खूबसूरत नहीं रहोगे आप, कैसे भी रहने दो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपसे गंदे दिखने वाले व्यक्ति के पास खड़े हो जाओ तो आपको ही बोलेंगे तो बड़ा खूबसूरत है भाई, समझ में आया? तो खूबसूरत बनने का बड़ा इलाज है, फेयर लवली से कुछ होने वाला नहीं है, फेयर हैंडसम से कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ एक ऐसा लड़का ढूंढो जो आपसे गंदा हो, एक ऐसी लड़की ढूंढो जो आपसे गंदी हो, बस उसके बाजू में खड़े हो जाओ, अपने आप खूबसूरत, मिनटों का खेल है भाई, मिनटों का खेल, सेकंडों का खेल, देखते ही बोलेगा बस यही खूबसूरत है, समझा बच्चों? अब यहाँ पे हम लोग मिरर इमेज की बात कर रहे हैं, तो मिरर इमेज में क्या होता है कि एक मिरर के सामने एक घड़ी होगी, घड़ी का टाइम देखकर बोलेगा भैया अगर घड़ी में इतना बजा है तो ये शीशा में कितना बजा होगा, इस कांच में कितना बजा होगा, समझ में आया? तो ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो क्या करना बच्चों, इसमें मिरर इमेज में 2 कंडीशन आपको बताई थी, समय या तो 12 से कम होगा या तो 12 से ज्यादा होगा, ठीक है, 12 से ज्यादा समय या फिर क्या होगा 12 से, या ठीक है 12 से कम समय, कोई बात नहीं चलता, 12 से कम समय, अगर 12 से कम समय होगा तो क्या करेंगे बच्चों, ये बता दो, 1160 में से माइनस करेंगे, 1160 मतलब ये आपने 12 ही लिखा एग्जैक्टली, 11:60 मतलब होता है 12 बज गए आपके। अगर किसी ने बोला आपसे, समय पूछ लिया, 3 बजा होगा और आप मजाक के मूड में रहोगे तो बोल देना किसने बोला कितना बजा, बोलना 2:60, पहले 10 मिनट सोचेगा यार 2:60 तो पहली बार सुना है, बजा 3 है लेकिन आप क्या बता रहे हो 2:60, 3:10 में तो बता देना 2:70, 70 मिनट, अरे ये कैसे क्या हो गया, जबकि बजा कितना है 3:10, समझ में आया? थोड़ा सा कंफ्यूज कर लिया करो बातों बातों में, आप गणित ना रीजनिंग वहां पे फेंको उनके बटा रख लिए, ठीक है, तो ऐसे मजा कर सकते हो आप थोड़ी सी। अब यहाँ पे अगर 12 से ज्यादा समय होगा तो क्या करेंगे बच्चों, 2360 में से माइनस कर लो, और 2360 रेलवे की घड़ी में बचते कितने, रेलवे की घड़ी में, अगर आप कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हो रेलवे में, टिकट जब निकालना होगा आपको, ठीक है, टिकट निकालना हो या फिर कहीं पे आपको टिकट किसी ने भेजी और आपको कहीं पे आना हो या जाना हो, तो समय बहुत केयरफुली देखना बेटा, क्योंकि ना उसमें 13 बजता है, 1 नहीं बजता, 13 बजता है, कितना बजता है 13, और उसमें लिखा घड़ी आप मतलब गाड़ी आपकी 1:30 बजे की है, मतलब समझ के चलो, अगर बोला कि आज तारीख कितनी है 21 नवंबर, 21 नवंबर को आपको 1:30 बजे की ट्रेन है और आपको जाना है, मेरे जैसे लोग मुंह उठा के पहुंच जाएंगे दोपहर के 1:30 बजे, हो गया गड़बड़ बेटा, 1:30 बजे का मतलब होता है वो रात के, कितना होता है रात को, और दोपहर का 1:30 बजे का मतलब होता है वो 13:30 बजे, कितने 13:30, 13:30, समझ आए बच्चों? तो इस बातों का विशेष ध्यान में रखना, यहाँ पे बहुत सारी गड़बड़ होती है, 3:10 हम लोग मुंह उठा के पहुंच जाते 3:10 दोपहर में, और घड़ी कब बजाती है वो रात के, मेरे साथ कई बार हुआ है, एक बार नहीं कई बार हुआ है, मेरे रिश्तेदार मेरे को इसी बात पे परेशान करते हैं, मेरे मामा जितने बार भी टिकट निकाली है ना उनको उतने बार वापस आना पड़ा है टिकट तो निकाल देता हूँ, टिकट रहती है 12:30 बजे की, और मैं उनको दोपहर में भेजता हूँ, और बाद में वहां पे जाके पूछते बोले तो कल रात को ही चली गई गाड़ी, बोले और फिर मेरे मामा ताने मारते हैं, वो इतना पढ़ा लिखा के क्या किया है, बोले पैसे वेस्ट, बाद में आता साला पूरा गड़बड़ है, और जब ये क्लॉक टॉपिक पढ़ा तब जाके मेरा डाउट क्लियर हुआ, समझा? मतलब पहले 10वीं 12वीं तक मैंने बहुत परेशान किया सबको, तो बच्चों आप परेशान मत करना किसी को, ठीक है,
अब यहाँ पे चल रही 12 से ज्यादा समय बोले तो रेलवे का टाइम होगा, किसका होगा, रेलवे का डिजिटल क्लॉक, और 12 से कम का समय होगा तो आपका यही होगा नॉर्मल घड़ी। 100 रुपए में भी आती है और 10,000 में भी आती है और 1 लाख में भी आती है। 100 रुपए का बता के एप्पल का साइन बोले तो एप्पल की घड़ी है कि नहीं, तो ऐसा चलता है। तो यहाँ पे जब आपको मिरर इमेज में बताना होगा कितना बजा होगा, कई बार क्या होता है क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए, ठीक है, घुमाने के लिए क्या होता है जो ये क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि 10:20 ये समय हुआ है और यहां पे ऐसा बना देगा और क्वेश्चन पूछ देगा क्या आएगा। 99% बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है पता है, ये साइन किस चीज का होता है, मिरर का होता है बेटा, किसका होता है, मिरर का। मतलब उसने सिंपल सा पूछने का मतलब है कि अगर यही घड़ी मिरर के सामने होगी तो कितने बजे होंगे, सवाल ये सिर्फ, क्योंकि उसने लिखा नहीं है तो कई बच्चों को समझ में ही नहीं आता है तो फिर इसका उल्टा लिख देते 20 और 10 करते, मतलब अपना अपना लॉजिक लगाते। तो यहाँ पे अगर देखेंगे बच्चों, ये जो समय दिया है अगर मिरर में पूछा हो तो कितने बजे होंगे बता दो जरा, 1:40। सीधा कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको क्या करना था, 12 से कम समय है, 12 से कम मतलब 11:60 में से माइनस करना है, राइट, ठीक है। तो क्या करेंगे, 11:60 में से जब आप माइनस करोगे 10:20 तो क्या करेंगे, माइनस कर लो सिर्फ, यहाँ जाएगा 40 और यहाँ पे आएगा 1, मतलब मिरर में 1:40 हो गए, ये सुनो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ फटाफट, फास्ट इसका आंसर निकालनी, फटाफट टाइम नहीं लगाना है, सिर्फ आपको ये डिसाइड करना है यहाँ से करना है कि वहां से करना है, क्लियर हो बच्चो। चलो सवाल नंबर 1, ये साइड में उठा देता हूँ, रख देता हूँ, फटाफट सवाल कर लेंगे। चलो सवाल नंबर 1 आपका दिया है, एक बजकर 25 मिनट, एक और 25, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, बस ये आंसर इसका सबका निकालना है, निकालते चलो फटाफट, बताने की जरूरत नहीं, निकालते चलो। 11:45, तीन नंबर, 2:30,17:35, 22:22, तेईस दस, चलो निकालो। देखो दर्पण प्रतिबिंब में कितने बजे होंगे वही निकालना आपको, है ना। पहला समय लिखा है 1:25, ये बताओ 12 से कम है कि 12 से ज्यादा है, 12 से कम है, ठीक है। तो 60 में से 25 गए तो कितने बचेंगे, 35 बचेंगे, लिख लिया आपने। इसके बाद यहाँ पे 11 में से 1 गए तो 10, मतलब कितना समय आ जाएगा, 10:35, पहले का आंसर करेक्ट आया सबका, ठीक है। दूसरे का देखो, यहाँ पे 11:45, 12 से कम है कि ज्यादा है, 12 से कम है कि नहीं, ठीक है, 12 से कम है तो 60 में से 45 गए तो कितने बचेंगे, 15, और 12 में से 11 गए तो 1:15 आपके किस में बचेंगे, मिरर में, ठीक है। 2:30 है, 12 से कम है कि ज्यादा है, कम है, अरे हाँ बराबर, सॉरी, मतलब 11 में से 11 गए 0 ही बचता है, बराबर है, सॉरी,
ठीक है यहाँ पे। अरे मैं भी कंफ्यूज हो गया, ये कौन सी बात। अरे माइनस करो ना, 11 में से माइनस करना 11 तो जीरो ही आएगा। मैंने एक लिख दिया तो क्या है, बोले कंफ्यूज हो गए। कौन था बेटा पहला वाला का? 1/25 ये बताओ, 1 है 12 से ज्यादा है कि कम है? कम है ना रे बेटा। 13 रहेगा तो आगे जाएगा, समझे। 1 से लगा के 11 तक, 11 12 से कम ही होता है, समझ लिया क्या? मेरे को लगता पीके बैठेगा तुम लोग। देखो 2 30, 60 में से 30 गए तो 30 बचेंगे, और यहाँ पे 11 में से 2 गए तो 9:30, यहाँ पे 12:30। आप देखो ये 12 से ज्यादा है कि नहीं, 12 से ज्यादा है कि नहीं। तो लेकिन 11:60 था, अब 11:60 से 12:30 ज्यादा है, अब क्या करेंगे 23 में से यहाँ पे माइनस करेंगे 23 में से, 23:60। अब 60 में से 30 गए तो 30, और यहाँ पे 23 में से 12 गए तो कितने बचेंगे 11:30। समझा, ये ज्यादा था बेटा। तुम लोग ऐसा लोचा करते कैसे चलेगा बताओ? बोलेगा सर चलाना है तो चलाओ, नहीं तो छोड़ दो, है कि नहीं। चलो देखो 17:35, 12 से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है, माइनस करेंगे। अब बताओ 60 में से, अब क्या करेंगे 60 और 30, 30 60 में से माइनस करते ना, ठीक है। 60 में से 35 गए तो 25, और यहाँ पे 6:25, ठीक है। यहाँ पर 22:22, 60 में से 22 गए तो कितने बचेंगे 38, कितने बचेंगे 38, और यहाँ पर बचेंगे कितना 1:38। यहाँ पे 23:10 है, 23 में से 23 गए 0, और यहाँ पे बचेगा 50 मिनट, मतलब रात के 1:10 बाकी, ऐसा सवाल है वो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 21:59, यहाँ पे बचेगा 1:02, समझा बच्चो। इसमें कुछ लोचा है क्या? अगले टाइप के सवाल देखो, 12:30 बोले तो 12 से ज्यादा ही है ना वो, 12 से ज्यादा तो 23:60 में से माइनस करना है, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं। अब सवाल बच्चों लेते वो वाले जिसमें कि आपकी घड़ियां तेज चलती है, या फिर मेरी घड़ी में पानी की वजह से वो स्लो चलती है, ठीक है। तो घड़ी स्लो या फास्ट हो तो सही समय कैसे निकालना होगा, ये देखो। तो सवाल नंबर 1 इसमें ऐसा मैं पूछ रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा गौर करना, ठीक है, गौर फरमाइए यहाँ पर सवाल में क्या बोला है, समझ के चलो, ठीक है। हेमा जया और रेखा, तीनों में से हेमा जया रेखा है ना, तीनों में से, ठीक है। तो रेखा ले लेते, रेखा बड़ी सीधी है ना, देखो रेखा की घड़ी, बच्चों यहाँ पे डाल दो सवाल, देखो रेखा की घड़ी है ना, हर घंटे 5 सेकेंड आगे हो जाती है, आगे आगे जाती है, ठीक है, क्योंकि रेखा भी सीधी है तो उसकी घड़ी भी सीधे से आगे निकल जाती थोड़े से, है ना। तो 5 सेकेंड आगे होती है कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो अभी प्रश्न ऐसा बोला है उसने कि अगर सुबह 9 बजे सही समय लगाया गया हो, तो अगले दिन सुबह 9 बजे घड़ी क्या समय दिखाएगी? घड़ी क्या समय दिखाएगी, ठीक है। अब देखो सवाल में क्या दिया है वो, अब सवाल थोड़ा सा देखेंगे, इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो उसने बोला है रेखा की घड़ी 1 घंटे में कितना आगे जाती है, 5 सेकेंड। ये 5 सेकेंड आगे जाती है तो पीछे भी जा सकती थी, यस नो, ठीक है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन 5 सेकेंड आगे जा रही कितने घंटे में, 1 घंटे में। अब उसने क्या किया है कि उसने सुबह घड़ी 9 बजे सही समय लगा दिया, तो अगले दिन बोला है कि अगले दिन जब 9 बजेगा तो घड़ी क्या समय दिखाएगी। अब ये बताओ आज सुबह 9 बजे
से कल सुबह 9 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे ये बता दो सर मुझे, कितने हो जाएंगे? 24 घंटे बेटा, आज सुबह 9 बजे से लगाकर कल सुबह 9 बजे तक कितने घंटे होंगे? 24 घंटे होंगे। तो इस तरीके के सवाल सॉल्व करने के लिए क्या करना है बच्चों, सबसे पहले ना समय निकालेंगे, क्या निकालेंगे? समय, समय निकालेंगे कि कितना घड़ी चली है। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, इसके बाद प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले समय निकालेंगे कि घड़ी कितने घंटे चली है। अब यहाँ पे बोला था कि आज सुबह से कल 9 बजे तक, ऐसा भी बोल सकता था आज सुबह 9 बजे से लेके रात के 10 बजे तक, सुबह कल सुबह के 4 बजे तक, कल दोपहर के 2 बजे तक। तो यहाँ पे सिंपल सा मेथड है कि सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, समय। क्या निकालना है? समय कि घड़ी कितने घंटे चली है। ठीक है, अब ये बताओ कितने घंटे हो रहे वहां पे? 24 घंटे हो रहे। कितने घंटे? सुबह 9 से अगले दिन सुबह 9 बजे तक 24 घंटे होंगे। कितने? 24 घंटे, मतलब वो घड़ी कितने घंटे चली है? 24 घंटे। अब प्रश्न में बता दिया है, देखिए कि घड़ी हर घंटे 5 सेकेंड आगे हो जाती है, मतलब एक घंटे में कितना आगे होती है वो? 5 सेकेंड। तो 24 घंटे में कितना आगे जाएगी? क्या करेंगे? 5 गुना में 24, मतलब 120 सेकेंड। इतना समझ में आया बच्चों? अब यहाँ पे वो सेकेंड में आगे जा रही है, लेकिन सवाल सेकेंड में पूछ सकता है, मिनट में पूछ सकता है, घंटों में भी पूछ सकता है। समझा? हो सकता है सीधे सीधे लिख दे कि घड़ी एक दिन में आपका 1 घंटे आगे जाती है, 1 घंटे पीछे हो जाती है, आधे घंटे आगे जाती है, आधे घंटे पीछे होती है, 10 मिनट आगे होती है, 10 मिनट पीछे होती है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि सबसे पहले घड़ी चली कितनी है? ये सुनो, सबसे पहले क्या, घड़ी चली कितनी है। इसके बाद उसने प्रश्न में क्या बताया है कि भाई 1 घंटे में वो 5 सेकेंड आगे जाती है, इसका मतलब वो 24 घंटे में कितना आगे जाएगी? 24 घंटे में 120 सेकेंड आगे जाएगी, मतलब मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 120/60 मिनट आ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 2 मिनट वो आगे चली जाएगी। तो अब मुझे बताओ कि अगले दिन सुबह 9 बजे उसकी घड़ी में कितना समय हुआ होगा? 9:02। आप समझ में आया बच्चों? समझ में आया? यस और नो? ठीक है, देखो 9:02 होगा, कितना होगा? 9:02 घड़ी सही समय दिखाएगी, तो ये आएगा सही समय, मतलब सही समय नहीं, घड़ी का समय। घड़ी का समय, समझ आया बच्चों? कोई प्रॉब्लम? अब देखो इसमें दूसरा सवाल ऐसा हो सकता है, इसी सवाल में, अगर इसी सवाल में उसने बोला रहता कि ये तो 5 सेकेंड आगे जा रही थी और 5 सेकेंड अगर पीछे जाती तो ये है ना 2 माइनस करते थे, क्या करते थे? 2 माइनस करते थे। अब 2 माइनस करेंगे 9 बजे में तो कितना बचेगा? 8:50। आप बोलोगे सर 9 बजे में से 2 मिनट कैसे माइनस करेंगे? तो ये होता है बच्चों 9 बजे का मतलब हो जाएगा आपका 8:60। यस और नो? 9 बजे को 8:60 लिख सकते हो? यस और नो? वेरी गुड। अब इसमें से कितना मिनट माइनस करेंगे? 2 मिनट। प्रश्न मैंने बदला इसलिए बता रहा हूं, 2 मिनट माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि यहां पे ना आपने सवाल चेंज किया था, है ना, सवाल यहां पे आगे जा रही थी और यहां पे क्या लिया है? पीछे जाने का। अगर पीछे जाती तो 24 घंटे में वो 2 मिनट ही पीछे जाएगी, जब आप ये 2 माइनस करोगे तो बचेगा 8:58। बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? समझ में आया? आप देखो अब इसी सवाल में तीसरा सवाल पूछ लेता हूं, ये 1 नंबर का था आगे जाने का, 1 नंबर का, 2 नंबर पे क्या लिया ये? पीछे जाने का। अब यहां पे जो 3 नंबर का सवाल बता रहा हूं आपको, 3 नंबर में क्या होगा? 2 घड़ियां है, कितनी? 2 घड़ियां है। पहली आगे जाती है और दूसरी पीछे जाती है, तो सवाल इसमें क्या आता है बच्चों पता है? उन दोनों घड़ियों के समय में अंतर क्या होगा? दोनों घड़ियों के समय में अंतर क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे उसका आंसर कैसे आएगा आप बता दो जरा मुझे, कोई बताएगा? कोशिश करो थोड़ी सी। यस, दोनों घड़ियों के समय का अंतर 4 मिनट का,
दो आगे जाएगी दो पीछे जाएगी, कितना अंतर होगा? क्लियर हुआ? तीसरे नंबर का सवाल है, दोनों घड़ियों एक दोनों घड़ियों का अंतर पूछा जाता है, एक आगे एक पीछे आती है तो उनका अंतर। अब एक दो मिनट आगे जा रही है और एक दो मिनट पीछे जा रही है, मतलब कितने मिनट का अंतर होगा? चार मिनट का अंतर होगा। क्लियर वॉच हो? इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या अभी? अगर अभी कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछ लो, आगे सवाल चालू कर लेंगे सीधे, नहीं ना लिख लो। चलो मार ला बेटा, मिगान दो यहाँ पे ध्यान दो, कौन तुक्का मार रहा है कौन कर रहा है वो मत ध्यान दो, आप क्या कर रहे हो वो देख लो सिर्फ, तुमचा आला का आंसर तो महत्वाचार है, त्यांचा आला कि नहीं आला ते आपल्याला पाहायचं नहीं है, ठीक है? किसी के ऊपर ध्यान मत दो, अपना अपना सवाल देखो। सवाल बेटा यहाँ पे क्या बोला है पता है? देखो सीधा सीधा सवाल उसने दिया है, उसने बोला है कि एक घड़ी प्रतिदिन, चालू किया क्या भाई? हाँ चालू किया है। एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे जाती है, कितनी? 15 मिनट आगे जाती है, एक दिन में 24 घंटे चलेगी तो 15 मिनट वो आगे हो जाएगी, ठीक है? इसे दोपहर 12 बजे मिलाया गया, घड़ी अगले दिन सुबह 4 बजे पूर्वाह्न क्या समय बताएगी? तो सबसे पहले देखो आज दोपहर में 12 बजे लगाया, कितने बजे? 12 बजे। देखो सबसे पहले समय कितना चली वो देखना आपको, हाँ आज दोपहर 12 से कल सुबह 4 बजे तक जो समय चलने का होगा वो क्या हो जाएगा? 16 घंटे। कितने? देखो 12 से 12 देखेंगे तो हो जाएगा 12 घंटे, बराबर है क्या? 12 से 12 देखेंगे तो कितने घंटे हो गए? 12 घंटे हो गए। इसके बाद रात को 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक, रात को 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक, तो यहां पे ऐसे लिख लो, देखो यहां पे क्या हो जाएगा? देखो आपने यहां पे तो देख लिया कि 12 से 12 बजे तक कितने हो गए? 12 घंटे। अब यहां पे रात 12 से सुबह 4 बजे तक, 4 तक कितने घंटे हो गए? 4 घंटे, ठीक है? तो टोटल अगर देखेंगे तो ये घड़ी कितनी चली है वो? कितने घंटे? 16 घंटे चली है घड़ी, ठीक? कितनी? 16 घंटे, है ना? 16 घंटे घड़ी चली है, लेकिन आपको पता है कि वो 24 घंटे में कितना आगे जाती है? देखो वो 24 घंटे में 15 मिनट आगे जाती है, यस और नो? तो बोला है कि 16 घंटे में कितना आगे जाएगी, सिर्फ इतना निकालना है आपको, क्वेश्चन मार्क। अब इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा? देखो 15 गुना में 16 बटे में कितना? 24। कितने से कट रहा है वो? 4 से कट करो, 5 से कट करो, देखो 5 3 15, नहीं नहीं 3 से, 3 से कट करो, है ना? 3 5 3 5 15 और 3 8 24, 8 1 8, 8 2 16, मतलब 5 2 10 मिनट घड़ी आगे चलेगी। अब 10 मिनट घड़ी आगे चली, इसका मतलब 4 बजे के बाद टाइम क्या होगा? 4:10। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा इसमें? ए करेक्ट है। अब समझ में आया बच्चों? तो सबसे पहले क्या करना है आपको? समय ही निकालना है कि वो घड़ी कितने घंटे चल रही है, इसके बाद अगला आपको सवाल समझ में आएगा। चलो लिखो, लिखो आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, गाय नहीं। बच्चों सवाल देखो, यहां पे सवाल क्या दिया वापस से बताता हूं। एक घड़ी 24 घंटे में 60 मिनट क्या हो जाती है वो? आगे हो जाती है। 24 घंटे में 60 मिनट आगे होने का मतलब एक घंटे आगे जाती है, कितने? एक घंटे। इसका मतलब क्या हो जाता है पता है? जब 24 घंटे चलेगी तो एक्चुअल में वो 25 घंटे चलती है। इतना समझ में आया? ये जो सेंटेंस दिया है ना, 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि रेखा भी अपनी काफी तेज थी, पता है ना? तो ये रेखा की घड़ी है, बहुत तेज थी, 24 घंटे चलेगी तब वो जाके चलती है 25 घंटे, कितने? 25 घंटे, एक घंटे तेज हो गई। तो उसने सवाल ये पूछा है बच्चों
कि अगर उसे आज सुबह 10 बजे मिलाया गया हो, आज सुबह 10 बजे उसको मिलाया गया, तो दूसरे दिन सही समय क्या होगा? सही समय मतलब पता आपको क्या, कि जो 24 घंटे चल रही थी ना, 24 घंटे के हिसाब से ही सही समय क्या होगा, जो तेज समय चल रही थी वो माइनस करना है, जो तेज समय चल रही थी वो क्या करना है, माइनस करना है। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है कि आज सुबह 10 बजे से कल दोपहर के 4 बजे तक कितने घंटे होंगे, सबसे पहले वो समय निकालना है। क्या निकालना है? समय। तो देखो, आज सुबह 10 बजे से कल सुबह 10 बजे तक कितना समय हो जाएगा? 24 घंटे। यस सुनो बच्चों, यस सुनो, बोलते चलो, ठीक है। अब सुबह 10 बजे से देखो, दूसरे दिन सुबह दस बजे से दोपहर के 4 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 6 घंटे। तो अगर टोटल देखेंगे तो टोटल घड़ी कितने घंटे चली है? 30 घंटे। कितने? 30 घंटे घड़ी चली है अपनी। आपको पता है जब घड़ी वो 24 घंटे चलती है, कितने घंटे? प्रश्नानुसार लिखो यहां पे, प्रश्न के आधार पर, प्रश्नानुसार जब घड़ी 24 घंटे चलती है तो कितनी तेज हो जाती है? वो 60 मिनट तेज हो जाती है। मतलब जब 24 घंटे चलेगी तो एक्चुअल में वो चलती है 25 घंटे। बच्चों इतनी बात क्लियर हुई? एक दिन में घड़ी 1 घंटे तेज हो रही है, मतलब अगर वो एक दिन चली तो इसका मतलब वो 1 दिन और 1 घंटे ज्यादा चल चुकी। यस और नो? यस और नो? यस और नो? वो उसका दिमाग पता नहीं किधर है, मेरे टकली हो जाएगी, ठीक है। तो 1 दिन में वो 25 घंटे चल रही, इतना समझा बच्चों? एक्चुअल में वो कितने घंटे चली है? 30 घंटे। तो आपको बस यही निकालना था, एक्चुअल में 30 घंटे चली तो ये सही समय क्या होगा, क्योंकि ये सही समय 24 घंटे चलना है, ये फेक वाला समय है, 1 घंटे ज्यादा चल जा रही, मतलब 25 घंटे चल रही है, चली 25 घंटे, तो एग्जैक्टली कितने घंटे चली थी वही समय निकालना था। जब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा हो जाएगा? देखो 24 बटे में 25 नीचे आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और मल्टीप्लाइड में 30। जब इसको कट करोगे तो 5 से कट जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 24 × 6 करोगे तो 144 बटे में 5 घंटे, इतने घंटे घड़ी चली है। जब इसको आप कन्वर्ट करने जाओगे तो कैसा हो जाएगा ये देखो, तो हो जाएगा 5 × 2 = 10, 4 × 5 = 44, 5 × 8 = 40, 4 × 5 घंटे। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 28 घंटे, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 × 12 = 48 मिनट। इतना समझ में आया बच्चों? 48 मिनट। अब इतनी घड़ी चल चुकी है, एक्चुअल टाइम ये बता रहा हूं, एक्चुअल टाइम इतनी चलनी चाहिए उसको। घड़ी कितने बजे सही समय लगाया गया था? 10 बजे। घड़ी को कितने बजे मिलाया गया था? 10 बजे। तो 10 बजे से आपको 28 घंटे चलाना है, बस सही समय मिलेगा। तो 10 घंटे में आप जो 28 घंटे ना, इसको 24 घंटे प्लस 4 घंटे 48 मिनट कर सकते हो। ये सुनो, 24 और 4 = 28 घंटे, मैंने सिर्फ इसको क्या किया, अलग अलग किया आपके समझाने के लिए, सिर्फ बस और कुछ नहीं। समझ में आया? मतलब ये क्या होगा, आज सुबह 10 से कल सुबह 10 बजे तक 24 घंटे, मतलब 10 ही बजेंगे, है ना, 10 बजेंगे, और ये 4 घंटे ऐड करेंगे तो 2 हो जाएंगे, तो मतलब एक्चुअल समय आएगा जो आएगा वो 2 बजकर 48 मिनट। आप समझ आए बेटा? आप समझ में आएगा? सवाल नंबर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इसका। चलो हमने ऐसा किया, ये दोनों का डिफरेंस बताता हूं। देखो मार डालूंगा किसी ना किसी को, वकीलों को 2 खून माफ होता है, पता है ना, 1 को मार डालूंगा और कुछ होगा भी नहीं। देखो यहाँ पे बेटा सवाल क्या पूछा है, सवाल में पूछा है सही समय क्या होगा, सवाल में सही समय क्या होगा ये पूछा है।
अगर सवाल में पूछा था घड़ी कितना समय दिखाएगी, तो आपको वही करना था, तो आपको वही करना था, मतलब 24 घंटे में एक घंटे आगे जा रही है तो 30 घंटे में कितना आगे जाएगी, तब वही करना था। तब कैसा आएगा पता है, देखो तब होता था कि 24 घंटे में जा रही है एक घंटे आगे तो 30 घंटे में कितना जाएगी, तो कितना आगे होगी और 4 बजे में ऐड कर देते थे, डायरेक्ट आंसर आता था ये, ठीक है। लेकिन यहां पे बोला है क्या सही समय क्या होगा भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे ये बोला है कि सही समय क्या होगा, अब समझ आया ये डिफरेंस है, घड़ी कितना समय दिखाएगी तो डायरेक्ट मेथड है, अगर घड़ी में सही समय पूछा है तो बेटा यहाँ पे वही करना होगा कि कितने आगे जा रही, तो डायरेक्टली ये बता दिया ना आपको कितने मिनट आगे जाएगी कितने मिनट पीछे जाएगी आ जाएगा, तो डायरेक्टली कैसे आंसर आएगा देखो बताता हूं, अगर घड़ी कितना समय दिखाएगी अगर ऐसा सवाल होता तो आपको पता है एक घंटे तो आगे निकल चुकी है वो, ये सुनो तो सवाल कैसे आएगा देखो वो भी बता देता हूं आपको। अगर सवाल ये होता यहां पे ये ना होता नहीं करेगा करेगा कुछ जरा मैं ये भी क्लियर कर दे रहा हूं आप लोगों का, अगर सवाल में ये ना होता, ये ना होता और 4 बजे कितना समय प्रदर्शित करेगी, सिर्फ ये होता घड़ी 4 पीएम को क्या प्रदर्शित करेगी, अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन रहता सही समय ना रहता तो डायरेक्टली सवाल था कैसा पता है देखो, तब डायरेक्ट सॉल्व करना था आपको इसको, आपको पता है 24 घंटे में कितना जा रही है वो एक घंटे आगे जा रही है, एक घंटे लिखो या 60 मिनट लिखो बराबर है, तो 30 घंटे घड़ी चल रही है आपने पहले ही निकाल लिया है, ये सुनो घड़ी 30 घंटे चल रही थी तो 30 घंटे में कितना आगे जाएगी ये निकालना है, तो जब इसको निकालने जाओगे तो बच्चों ये हो जाएगा 30 बटे में 24, ये घंटे आ जाएंगे, जब घंटे और मिनट में कन्वर्ट करोगे ना तो 24 एक 24 कितना बचेगा 6 बटे में 24 मल्टीप्लाइड बाय 60, किस में कन्वर्ट किया आपने मिनट में, 6 चौक 24 और यहां पे कट करोगे तो 15 चौक 60, मतलब एक घंटे 15 मिनट घड़ी आगे जाएगी, एक घंटे 15 मिनट घड़ी आगे जाएगी, तो समय क्या प्रदर्शित करेगी पता है 4 प्लस 1 घंटे 15 मिनट, तो उस सवाल का जो जवाब आएगा बेटा वो आएगा 5 बजकर, हाँ मतलब क्लियर हुआ, किसी को आप बच्चों कुछ प्रॉब्लम है पक्का कुछ भी।